नमस्कार। तो ये नोटिफिकेशन आ गया था हरियाणा राउंड टू का शेड्यूल का, और मैं बड़ा खुश था इसको देख के कि बहुत समय दिया इन्होंने। तो पहले इस शेड्यूल को डिस्कस करता हूँ क्विकली और फिर बताता हूँ कि क्या बेवकूफी करी है फिर से हरियाणा के मेरे मित्रों ने। तो देखिए, 21 तारीख परसों से शुरू हो चुका फ्रेश रजिस्ट्रेशन हरियाणा में। हम जानते हैं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। 28 तारीख का समय दिया, बहुत खूब 8 दिन का समय दिया है। एडिटिंग के लिए भी समय दिया है अलग से। सबसे बड़ी बात आती है कि फिर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट आपको हमें बतानी है। तो जैसे ही हम पुराने बच्चों का फॉर्म खोल रहे हैं, पहला सवाल पूछा जा रहा है, डू यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टू, यस और नो। और जो यस कर रहा है तो लिखा है इन्होंने बिल्कुल वही जो नॉर्मल चलता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे आप और आपको पहले राउंड में सीट नहीं मिली थी, सीट मिली थी पर आपने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि हरियाणा में फ्री एग्जिट होता है, सीट मिल गई थी और आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाह रहे हो। उसके बाद जैसे हमने लॉग इन करा, हमसे वो पूछ रहे थे, राइट, जैसा मैंने कहा। अभी वो हमसे फीस नहीं मांग रहे हैं, ये जो उनकी 1 लाख रुपए है और 10,000 रुपए है गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए, वो हमें 1 मार्च को जमा करानी है। चॉइस फिलिंग का टाइम भी 1 से 5 मार्च है। 7 तारीख को एलोकेशन दी जाएगी, 8 तारीख तक ग्रीवेंसेस वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट एलोकेशन होगी 8 से 12 मार्च। सब सिंपल है, कुछ खास नहीं है। मेन चीज आप ये देखिए जो इनके रूल थे, और फिर लास्ट में बता दो क्या गड़बड़ करी है। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द फर्स्ट राउंड, हम जानते हैं उन्हें हमें कुछ नहीं करना। द कैंडिडेट्स हैव हु हैव गॉट देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन, उन्हें भी कुछ नहीं करना। पर वो भरना फॉर्म जैसे मैं खुल के हमने बोला है, सेम जो हमारा ए वाले बच्चे थे कि मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, और फिर वो एक 5 चेक चेक बॉक्स आ रहे हैं कि भाई मैं अगर ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में मुझे सीट मैं लूंगा तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा। वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कोई बात नहीं। द कैंडिडेट्स हु हैव बीन एलोकेटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड शैल हैव टू गिव देयर विलिंगनेस टू अपियर देमसेल्फ इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, अदरवाइज दे विल नॉट बी कंसीडर्ड, हम जानते ही हैं। तो अब उनको बताना है कि मैंने पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इन द फर्स्ट राउंड हैव अ राइट टू रिमेन इन दैट एंड शैल बी चेंज ओनली अगर उनका अपग्रेड होता है। ये उसके लिए होता है जो अपग्रेड के लिए जाते हैं, राइट। तो जब भी आप कर रहे हो, आपको चॉइस फिलिंग दोबारा करनी है, हम जानते ही हैं। तो हमें फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है जो अपग्रेड के लिए जाना चाह रहे हैं। और हम बाबा कहते हैं जो सीट खत्म कर चुका है इसमें उसे कुछ नहीं करना, जो हरियाणा की अराउंड वन सीट लेके खुश है उसको इस पूरी प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना है। तो पहले आ गया ना कि विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट नो है, राइट। तो हमने कुछ नहीं करना है। अब आगे आता है इंपॉर्टेंट, ऑल कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर अलॉटमेंट स्टेटस एंड स्पेशली कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड काउंसलिंग एंड वांट टू ऑप्ट फॉर स्टेट कोटा, उन्हें 10,000 रुपए देने हैं। एससी बीसी ईडब्ल्यू के लिए 5,000 होंगे और प्राइवेट कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए देने हैं, राइट। ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा रहे हैं तो भी आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे सरकारी के लिए, और सिमिलरली प्राइवेट में अगर अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फिर वरना उनका उनको उनको फिर भी फीस देनी है जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस बार सीट मिलेगी और आप नहीं लोगे तो ये 1 लाख रुपए 10,000 रुपए जब्त हो जाएंगे, और फिर भी आप मॉपअप में जा सकते हो। तो हरियाणा आपको ये भी छूट दे रहा है कि राउंड टू में सीट ले लो, अगर आपने ज्वाइन नहीं करना है तो भी आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप डी बार नहीं होंगे जो काफी स्टेट्स करते हैं, तो हरियाणा आपको डी बार नहीं कर रहा, सिर्फ आपके 10,000 5,000 1 लाख रुपए खा जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि आपको एक तरह से फ्री एग्जिट भी राउंड टू में मिल रहा है। और ऑफ कोर्स अगर आपको सीट दोबारा से नहीं मिली तो आपके सेम पैसे सिक्योरिटी मनी सेकेंड राउंड में काम आएगा। ऑफ कोर्स अगर आप सीट एलोकेट ज्वाइन कर लेते हो तो मेरा मॉपअप में एलिजिबल नहीं हो, वो तो एक स्टैंडर्ड रूल है इंडिया का। अब ई बहुत इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन द एलोकेटेड सीट ड्यूरिंग द ऑल इंडिया एनी स्टेट अप टू सेकेंड राउंड काउंसलिंग शैल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। द कैंडिडेट विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग, की कुछ नहीं, एक चेक बॉक्स आ रहा है जैसे हम लॉग इन कर रहे हैं कि हम सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर हमने राउंड टू तक कोई सीट ले ली है। तो वो लोग जो राउंड टू का वेट कर रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया कोटा राउंड टू का वेट कर रहे हैं, उनको ये जो हरियाणा का फॉर्म है या जो अपनी चॉइस विलिंगनेस है ना पार्टिसिपेट,
ये करनी चाहिए 27 तारीख को, 28 तारीख को, ये मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एमसीसी का रिजल्ट 26 तारीख को आ जाएगा। तो 26 तारीख को अगर आपको सीट मिल गई, आपको वही लेनी है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कीजिए, क्योंकि तो आपसे अंडरटेकिंग इस बात की चेक बॉक्स करवा रहे हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में कोई सीट नहीं आपने ली है, राइट। तो आपको उन लोगों के लिए खास ध्यान रखना है जो ऑल इंडिया कोटा राउंड टू का वेट कर रहे हैं और वो सीट मिलते ही लेना चाहेंगे, तो आप 27 से 28 तारीख कोई एक्शन लीजिएगा, अभी बता दीजिएगा, ठीक है ना। जिनका वो चक्कर नहीं है वो अभी के अभी अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गड़बड़ क्या कर दिया इन्होंने, अब एक बच्चा ऐसा है जिसको राउंड वन में सीट मिली थी और राउंड टू में अगर उसे ऑल इंडिया कोटा की अच्छी सीट मिल गई तो वो लेना चाहता है और हरियाणा की राउंड टू राउंड वन की सीट छोड़ना चाहता है, रिजाइन करना चाहता है, अपनी फीस भी वापस लेना चाहता है, प्लस अपने डॉक्यूमेंट वापस लेना चाहता है। लेकिन इन लोगों ने रेजिग्नेशन की आखिरी तारीख दी है भाई 24 फरवरी, बाकी सारे स्टेट्स ने 28 दी है, क्योंकि एमसीसी का रिजल्ट आ रहा है 26 तारीख को। तो जब एमसीसी का अलॉटमेंट रिजल्ट 26 फरवरी को आ रहा है तो सारे स्टेट्स ने 28 तारीख इसलिए दी है कि आप रिजल्ट देख लो, आपको ऑल इंडिया कोटा पसंद आ गया तो फट से आप अपने स्टेट पे जाकर जो आपने राउंड वन में सीट ली थी वो छोड़ सकते हो। और इसलिए हर स्टेट चॉइस फिलिंग मार्च में करा रहा है, हरियाणा भी देखिए मार्च में करा रहा है चॉइस फिलिंग, लेकिन सीट रिजर्वेशन का डेट दिया है 24 फरवरी। आई एम श्योर ये वीडियो सुनने के बाद उनको भी समझ में आएगा, और हमारे काफी क्लाइंट्स उनको मैंने ये बोला है कि फोन कीजिए, मेले डालिए, इन जो ऊपर मेल लिखी है ना उनको ये चीज याद दिलाइए कि आप भी हमको कम से कम 28 फरवरी तक का समय दीजिए ताकि हम एमसीसी का रिजल्ट देखने के बाद इस पे एक्शन करें, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, हरियाणा स्टेट के लिए। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। और आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो कॉल अस ऑन अवर नंबर 9643362320 और हम आपको हेल्प करेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।